आगे हम जो देखने वाले हैं ये हमारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में हेल्प करेगा और कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई में भी इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो अगर हम देखें कि हमारे पास एक सिलेंडर है और सिलेंडर में हमारे पास कोई चार्ज की बात नहीं कर रहा, हम बात कर रहे हैं, हमें ई दिया हुआ है डायरेक्ट। ई की वैल्यू कहाँ दी हुई है? नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। तो अब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हमने देखा था जब क्लोज सरफेस है, सिलेंडर क्या सा है? क्लोज सरफेस है, ठीक है। जब हम जानते हैं कि जब हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं क्लोज वाले के लिए, तो क्लोज वाले के लिए हमने देखा था कि दो फॉर्मूले हमारे पास अवेलेबल हैं। कौन कौन से? एक फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस और एक फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम यहाँ कौन सा लगाएंगे? जहाँ क्या दिया हुआ, एक्सटर्नल ई दिया हुआ, तो हम कौन सा फॉर्म लगाएंगे? ई डी एस। तो इस क्वेश्चन में हम ये लगाएंगे ई डी एस। तो देखें, सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ तीन एरिया हैं, एक दो और ये तीन। हमारे सिलेंडर में तीन एरिया होते हैं, मतलब अगर हम इसको देखें, एक हमारे पास कैप अगर हम ले लेते हैं तो ये एक सिलेंडर है, तो एक इसमें ये वाला एरिया होता है, इस साइड वाला एरिया, ये कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। एक एरिया ये होता है, ये भी कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। और एक एरिया ये होता है जो हम इसको बोलते हैं सी एस ए, जो हम बोलते थे, ठीक, कर्व सरफेस एरिया। तो सबसे पहले तो आपको इनके एरिया पता होना चाहिए किसी भी बॉडी के। तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, और इसका एरिया कितना होता है? इसका एरिया कितना हो सिलेंडर का सरफेस एरिया का? 2 पाई आर एल। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि इस वाले में देखें तो इसमें ई और डी एस का जो डायरेक्शन है उसका एंगल कितना है? 0। तो कॉस 0 कितना होता है? 1। मतलब इसका आंसर आएगा ई इंटू एरिया, और इसका एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे ये आ जाएगा आपका जो एरिया आएगा, हम इसको बोल देंगे पाई आर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया, पाई आर स्क्वायर इंटू ई, सरफेस वन का। अगर इस साइड देखें, इस साइड हमारा क्या आ रहा है? ई जा रहा है इधर, डी एस इधर जा रहा है, मतलब एंगल कितना हो गया? थीटा इक्वल टू 180, एंड कॉस 180 कितना हो जाएगा आपका? कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो कितना आ जाएगा? -1 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू ई। तो हमारा पॉइंट कहाँ चला जाएगा? तीसरे सरफेस, ये कर्व सरफेस एरिया की बात देखें तो ई इधर है और डी एस इधर है, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया? 90। मतलब क्या? कॉस 90 इज इक्वल टू 0, इसलिए यहाँ आंसर इतना आ जाएगा 0। तो अब टोटल फ्लक्स देखें तो एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, इधर से तो कोई फ्लक्स निकल ही नहीं रहा है, मीन्स दोनों की वैल्यू कैसी है? इक्वल। तो टोटल फ्लक्स कितना आ गया इससे? 0, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ एक और देखें हम, यहाँ भी हमारे पास यही चीज़ है। यहाँ आपके पास क्या हो गया? ये ई है और आर दिया हुआ है, तो यहाँ से भी हम कैसे निकालेंगे? इसका जो हमारा एरिया आएगा, सरफेस एरिया आएगा, उसके अकॉर्डिंग हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं।